इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड है आर्म, ARM, आर्म। आर्म मींस बाह और आर्म मींस हथियार भी होता है। बाह का सिनोनिम अपर पार्ट ऑफ हैंड और हथियार का सिनोनिम वेपन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय दीज सेंटेंसेस। न्यूबॉर्न बेबीज फील मोर सिक्योर इन देयर मदर्स आर्म। नवजात बच्चे अपनी माँ की बाहों में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है। तो इस तरह से आर्म वर्ड को इंग्लिश में दो अर्थों में यूज किया जाता है, बाह और हथियार। मैंने इन सेंटेंसेस को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया है, अगर आप चाहें तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।